हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सो कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको टॉप 10 ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप कीबोर्ड एंड माउस से फ्री फायर बैटल ग्राउंड गेम्स, कोई भी बैटल ग्राउंड गेम्स आप खेल सकते हो, ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस से। बहुत सारे बंदे यार बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहे, तो मैं यहाँ पे टॉप 10 एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। पूरे 10 एप्लीकेशन, एक दो नहीं, पूरे 10 एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आप लोग जो है कीबोर्ड एंड माउस से फ्री फायर या BGMI जैसे गेम बहुत ही आसानी से खेल पाओगे। अब हर एप्लीकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एंड वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कहाँ से आपको मिलेगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो की, क्योंकि इसमें आपको टॉप 10 एप्लीकेशन मिलने वाले जिसको आप जिसमें से आप कोई ना कोई एक यूज़ करके आप लोग खेल पाओगे, ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस से फ्री फायर, ठीक है। एंड जितने भी टॉप 10 एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें से एक को अगर छोड़ दे तो गाइस ये सारे एप्लीकेशन में आपकी आईडी बैन होने की डर बिल्कुल नहीं रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी आईडी बैन होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसलिए इस टेंशन में मत रहना कि आपका आईडी बैन होगा, ठीक है, बस एक एप्लीकेशन को छोड़ दो, वो भी मैं बताऊंगा कौन सा, ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ, एंड जानते हैं टॉप 10 एप्लीकेशन के बारे में जिसको यूज़ करके आप लोग कीबोर्ड एंड माउस से फ्री फायर खेल सकते हो। देखो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड बेल आइकन भी दबा देना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले एप्लीकेशन से जो है हम लोग का एकदम प्यारा दुलारा पांडामोस प्रो। जी हाँ गाइस, पांडामोस प्रो एप्लीकेशन जो है जिसको यूज़ करके आप लोग कीबोर्ड एंड माउस से खेल सकते हो, जिसमें मैंने ऑलरेडी नंबर्स ऑफ वीडियोज़ बना के रखे, कम से कम 50 वीडियो होंगे, 50 नहीं मतलब हाँ 50 वीडियोस होंगे, ठीक है, जो कि पांडामोस प्रो पे ही है। तो अब देखो पांडामोस प्रो एप्लीकेशन का अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैंने कंप्लीट सेटअप बताया है कि कैसे आप लोग पांडामोस प्रो को यूज़ करके फ्री फायर खेल सकते हो कीबोर्ड एंड माउस से। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके जाके देख सकते हो, ठीक है, सबसे पहला वीडियो होगा। तो पांडामोस प्रो में बात करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखो प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें आती है जो कि है एक्टिवेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। एक्टिवेशन के 3-4 तरीके हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस बना के रखा हुआ है, तो आप लोग अगर चैनल पर चेकआउट करते हो कि हाउ टू एक्टिवेट पांडामोस प्रो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका मैं एक प्लेलिस्ट है जो कि मैं जिसमें मैं सारे एक्टिवेशन के तरीके बताया, तो वो भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उसको एक्टिवेट करना सीख सकते हो, ठीक है। अब एक्टिवेशन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे बंदों का ये भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो वो लोग जरूर ट्राई करें, ठीक है, एक्टिवेट करने का जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे यूज करें एंड इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करें। तीसरा चीज, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है जो कि है एंड्रॉइड 12, जिनका भी डिवाइस एंड्रॉइड 12 का है, ठीक है, उसमें जो है पांडामोस प्रो सही से वर्क नहीं कर रहा, वर्क क्या मतलब काम ही नहीं कर रहा, कीबोर्ड एंड माउस काम नहीं कर रहा है, गेम के अंदर बाहर काम कर रहा है बट गेम के अंदर जो है एंड्रॉइड 12 का कीबोर्ड एंड माउस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, मुझे जैसे ही सोल्यूशन मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, बट इसका एक सोल्यूशन है जो कि परमानेंट सोल्यूशन को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉइड 12 हो चुका है तो आपको अपने सेंटर पर चले जाना है, ठीक है, जो भी आपके मोबाइल का सेंटर है, जैसे रियलमी का जो भी आपका सर्विस सेंटर होता है मोबाइल का, वहाँ पर चले जाना है, उसको डाउनग्रेड करवा लेना मोबाइल को अपने एंड्रॉइड 12 से एंड्रॉइड 11 करवा लेना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन हम लोग का स्मार्ट गागा 360। जी हाँ गाइस, स्मार्ट गागा 360 ये भी मतलब क्लोन एप्लीकेशन है पांडामोस प्रो का, जो सेम प्रॉब्लम जो भी पांडामोस प्रो में होता है वही सेम प्रॉब्लम आपको स्मार्ट गागा 360 में भी देखने के लिए मिलेगा। इसको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये भी एंड्रॉइड 12 में नहीं चल पा रहा है, चल रहा है बट यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड इसको भी एक्टिवेट ही करना पड़ेगा। बट ये भी एक नंबर एप्लीकेशन, इसको यूज़ करके आप लोग कीबोर्ड एंड माउस से खेल सकते हैं, इसमें आपकी आईडी बैन बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। बात करते हैं तीसरे एप्लीकेशन के बारे में, तो तीसरा एप्लीकेशन ये एक और एप्लीकेशन जो कि पांडामोस प्रो का क्लोन ही समझ लो, ठीक है, जो कि इसका नाम है ब्लू स्टेक, ठीक है। अब ये ब्लू स्टेक एप्लीकेशन आप यूज़ करके खेल सकते हो। अब ये वो कंप्यूटर वाला ब्लू स्टेक नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं एमुलेटर, ठीक है, वो एमुलेटर नहीं है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, ब्लू स्टेक, जो कि आप यूज़ करके खेल सकते हो। अब देखो स्मार्ट गागा 360 का भी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसमें मैंने स्मार्ट गागा 360 के बारे में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, जाके देख सकते हो। एंड ब्लू स्टेक जो कि हम लोग का एप्लीकेशन नंबर 3 है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट वीडियो बनाई जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जाके उस तीसरे वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने ब्लू स्टेक के बारे में बताया। अब एक बात आप लोग जान लो कि ये भले ही तीनों एप्लीकेशन जो आपस में क्लोन, बट किसी किसी मोबाइल में जो है ब्लू स्टेक काम कर रहा है, किसी किसी मोबाइल में स्मार्ट गागा 360 काम कर रहा है, किसी किसी मोबाइल में पांडामोस प्रो काम कर रहा है, बट किसी किसी मोबाइल में ये तीनों एप्लीकेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हो खेलने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन के बारे में, जो कि हम लोग का बहुत ही ज्यादा प्यारा एप्लीकेशन था जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टोपस प्रो,
ठीक है। अब ये जो ऑक्टोपस है यार, यहाँ इसमें क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी बड़ी दिक्कत हो गई ये एप्लीकेशन है, इसमें आपको आईडी बैन होने का डर हो सकता है। जी हाँ गाइज, क्योंकि ये वेरीफाइड एप्लीकेशन नहीं है, इसमें आपको आईडी बैन हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई एक्टिवेशन नहीं करना पड़ता, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय जो कि हम लोग का फेसबुक से अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। जी हाँ गाइज, इसमें फेसबुक लॉग इन नहीं अलाउ है, ठीक है। फेसबुक इसको इनसिक्योर ऐप माना है, इसकी वजह से इसको लॉग इन नहीं हो पा रहा है। बट अगर आप लोग अब प्रैक्टिस करना चाहते हो, मजे के लिए खेलना चाहते हो, तो आप लोग इसमें कोई भी एक जी मेल अकाउंट बना सकते हो, जी मेल अकाउंट फ्री फायर अकाउंट बना सकते हो, उसके बाद आप इसमें ऑक्टोपस में खेल सकते हो, ठीक है, अगर आप मजे के लिए खेलना चाहते हो तो। बट इसमें आप मेन आईडी मत यूज करना, वरना आपकी आईडी बैन होने का डर हो सकता है, ठीक है। ऑक्टोपस एप्लीकेशन अभी भी चल रहा है। फोर्थ नंबर है हम लोग का एप्लीकेशन जो है वो है ओडो गेम पैड मैपर। ओडो गेम पैड मैपर पर मैंने एक ही वीडियो बनाया है, ठीक है। अब देखो, ओडो गेम पैड मैपर जो है वो एप्लीकेशन ठीक है, बट यहाँ पे इसका जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं करना पड़ता है ओडो गेम पैड मैपर को, बट यहाँ पे इसका जो सेटिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो सेटिंग करने का तरीका, उसमें से बहुत सारे कीज़ नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे कीबोर्ड के कीज़ आपको नहीं उसमें देखने के लिए मिलेंगे सेट करने के लिए, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओडो गेम पैड मैपर की, ठीक है, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपका 360 डिग्री प्रॉब्लम होता है, मतलब अगर आप माउस को 360 डिग्री रोटेट करना चाहते हो तो आप इसमें नहीं कर पाओगे, जैसे कि आप पांडा माउस प्रो में कर पाते हो, हर एप्लीकेशन में कर पाते हो, बट इसमें नहीं कर पाओगे, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी। आपको माउस क्लिक करके ही रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत इसकी यही है। इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कि कैसे आप लोग जो है ओडो गेम पैड मैपर को यूज़ करके फ्री फायर खेल सकते हो कीबोर्ड एंड माउस से। तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन का जितना नंबर है, ठीक है, उसी उतना नंबर ही वीडियो आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग जाकर देख सकते हो। ऑक्टोपस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, तो अगर ऑक्टोपस रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। ऑक्टोपस पे एक कंप्लीट वीडियो है, ठीक है, वो मैंने उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग क्लिक करके जाकर ऑक्टोपस का भी वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं अपने अपने एप्लीकेशन नंबर 6 की। एप्लीकेशन नंबर 6 जिसका नाम है के यू गेमर, ठीक है। जी हाँ गाइस, के यू गेमर एप्लीकेशन का नाम है। अब ये बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए जो लोग थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, इसमें सबसे पहला तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन करना जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपकी आईडी बिल्कुल भी बैन नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा सा भी आपको बैन होने का टेंशन नहीं रहेगा। तीसरी चीज़, यहाँ पे आपकी जो भी की मैपिंग करेंगे वो की मैपिंग सेव हो जाएगी। चौथी चीज़, यहाँ पे आपको कीबोर्ड एंड माउस का कनेक्शन बिल्कुल, मतलब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पता बजाय एक प्रॉब्लम के। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप खर्च कर सकते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम 2500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 2500 से 2600 रुपये, तब जाके आपको बेबोन कूल नाम का ये डिवाइस आपको लेना पड़ेगा, देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये आपको डिवाइस लेना पड़ेगा जिसको कनेक्ट करके आप लोग जो है अपने मोबाइल से खेल सकते हो। ये ब्लूटूथ कनेक्शन है आपके अपने मोबाइल से, और इसे कनेक्ट हो जाएगा, एंड कीबोर्ड एंड माउस आपका इसी डिवाइस में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके क्लिक करके के यू गेमर के बारे में आप लोग देख सकते हो, ठीक है वीडियो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो कि हम लोग का एप्लीकेशन नंबर 7 है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 7 है गाइस, फ्लाई डिगी Q1 गेम सेंटर। जी हाँ गाइस, फ्लाई डिगी Q1 गेम सेंटर। अब ये भी एप्लीकेशन वही है, इसमें भी आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ये डिवाइस खरीद लेते हो, जो कि मैं खुद खरीदने वाला हूँ, परचेज करने वाला हूँ, क्योंकि ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एंड ये जो डिवाइस है आपका फ्लाई डिगी Q1 नाम है, ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्लाई डिगी Q1, वहाँ से क्लिक करके आप लोग जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये आपको 6000 का मिल रहा है, बट यहाँ पे 4000 कुछ डिस्काउंट, अगर आप लिंक से खरीदते हो मेरे, तो आपको 4000 कुछ रुपये का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 6000 का है, ठीक है। तो आप अगर लिंक से 4000 कुछ रुपए में मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको यूज़ करके आप लोग खेल सकते हो। अब इसमें भी आपको सिंपली अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल से, ठीक है, एंड आसानी से आप लोग खेल पाओगे फ्लाई डी के Q1 को। मैं इसका जल्दी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, ठीक है, जल्दी इसको लेने वाला हूँ, तो इस पर मैं कंप्लीट वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा, ठीक है। ये होगा फ्लाई डी के Q1 गेम सेंटर के बारे में। अब बात करते हैं अपने एप्लीकेशन नंबर 8 की। एप्लीकेशन नंबर 8 है K10 टूल। जी हाँ गाइस, K10 टूल, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस टाइप का है, तो ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, सिंपली वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि K10 टूल को कैसे यूज करके आप लोग खेल सकते हो फ्री फायर कीबोर्ड एंड माउस से। इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशन है। बट इसके लिए भी आपको डिवाइस चाहिए एक, ठीक है, बेबोन कूल का यही डिवाइस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यही डिवाइस यूज़ करोगे तो आप इसको भी, मतलब इस एप्लीकेशन को भी यूज़ करके आप खेल सकते हो, ठीक है, बट आपको ये डिवाइस लेना पड़ेगा।
बिना इस डिवाइस का आप नहीं खेल पाओगे। ठीक है, ये हो गए हमारे 8 एप्लीकेशन। अब बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 9 की। एप्लीकेशन नंबर 9 है गाइस गीक गेमर। ठीक है, अब गीक गेमर एप्लीकेशन जो है इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, वही दिक्कत है। यहाँ पे आपका सारा मतलब जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी पांडामोस प्रो में सारे अलग अलग एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे आपको डिवाइस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यही बेबोन कूल की आपको डिवाइस लेना पड़ेगा। आप लोग बोलो यार क्या ही है कि एप्लीकेशन बार बार बता रहा है। इस एप्लीकेशन अलग अलग है बट आपको कुछ डिवाइस लेना पड़ेगा। ठीक है, जब आप डिवाइस ये ले लोगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो डिवाइस है आपको 2500 का पड़ेगा, ये आप ले सकते हो। ठीक है, बट बेस्ट डिवाइस अगर आप पैसे अगर आप कुछ और लगा सकते हो तो आप 4-4.5 हज़ार में फ्राइडे की क्यूमन ले सकते हो। ठीक है, बट ये भी डिवाइस बहुत अच्छा है, इसको यूज़ करके आप लोग खेल पाओगे। ठीक है, इसमें आपको गारंटी वारंटी भी मिलती है। ठीक है, आपको $34 का कुछ पड़ जाएगा। तो इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाय द वे इन सारे एप्लीकेशन का जितना भी मैंने बताया है, ठीक है, 9 एप्लीकेशन अभी बताया, अभी 10 एप्लीकेशन बचा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, उसे मत छोड़ना भाई। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो ये 9 एप्लीकेशन जो है ये आपका बेस्ट एप्लीकेशन, इसको यूज़ करके आप कीबोर्ड एंड माउस खेल सकते हो। यही एप्लीकेशन थे आज तक के। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे 9 एप्लीकेशन के बारे में बताया है सारे वीडियोज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो के क्लिक करके उनके बारे में डिटेल में जान सकते हो, कैसे सेटिंग करनी, क्या क्या करनी है। ठीक है, सारा चीज़ें मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 10th एप्लीकेशन के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया एप्लीकेशन मेरे को लगा। ठीक है, क्यों बढ़िया लगा? क्योंकि इसमें ना आपको एक्टिवेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ना आईडी बैन होने का डर रहेगा, ना कीबोर्ड एंड माउस का कनेक्शन होगा, ना आपको कोई डिवाइस खरीदनी पड़ेगी। आप सोच रहे भाई ये कौन सा एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें भी आपको एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, वो है कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। हाँ, ये मैटर नहीं करता कि आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप जो हाई वर्जन का है लो वर्जन का है, अगर आपका लो लैपटॉप भी है लो डेस्कटॉप भी है फिर भी आपका वो काम करेगा। तो आई होप कि बहुत सारे लोग इसे गेस कर लेंगे। जी हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ टीसी गेम्स एप्लीकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशन, इसको यूज़ करके आप लोग खेल सकते हो कीबोर्ड एंड माउस से फ्री फायर या BGMI। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, आईडी बैन नहीं होगा, कीबोर्ड एंड माउस कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्टिवेशन नहीं करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, सारे प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन है। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई डिवाइस भी खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो ये टीसी गेम्स आप यूज़ कर सकते हो। इस पर मैंने कंप्लीट 2 वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके जाकर उसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड वहाँ से आप लोग कंप्लीट वीडियो जान सकते हो, टीसी गेम्स का पूरा सेटअप जान सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास एक लैपटॉप है छोटा मोटा, ठीक है, छोटा मोटा क्या मतलब लैपटॉप का साइज वही होता है, बट आपका लो डिवाइस लैपटॉप है फिर भी आप इसे यूज करके खेल सकते हो। अब देखो गाइस, ये जो मैंने 10 एप्लीकेशन बताया है, इनके अलावा ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिसको यूज़ करके आप लोग खेल पाओ कीबोर्ड एंड माउस। ये मैंने पूरा रिसर्च करके हर जगह से, अलग अलग वेबसाइट से, प्ले स्टोर से, मैंने पूरा प्ले स्टोर का एकदम पूरा लिस्ट चेक आउट कर डाला, हर एक नाम सर्च कर डाला, बट यही 10 एप्लीकेशन मेरे को मिले। ठीक है, जिसको यूज़ करके आप कीबोर्ड एंड माउस से खेल सकते हो। तो बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई कोई ऐसा एप्लीकेशन बताओ जिसको यूज़ करके खेल सकते हैं, एंड्रॉइड 12 का प्रॉब्लम ना हो। इन सारे एप्लीकेशन में पांडामोस प्रो को छोड़ के आपको एंड्रॉइड 12 का प्रॉब्लम किसी में नहीं होगा, इसे यूज़ करके आप लोग खेल सकते हो। ठीक है, एंड यही 10 एप्लीकेशन है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, तो इन 10 एप्लीकेशन में से आपको जो भी पसंद है उसे यूज़ करके खेल सकते हो। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो चले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल के नीचे लगा सब्सक्राइब बटन देख सकते, क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड बेल आइकन दबाना, एंड कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।